सोच समझकर अच्छे क्लास सेकंड सेमेस्टर का पहला क्लास आपको शुरू कर रही हूँ। पहले सेमेस्टर का आपको तीसरी कक्षा है ना, इसलिए सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्या सीखे थे एक बार दोहराओ। क्या सीखे थे आप? हाँ, वर्णमाला। वर्णमाला क्या हुआ था आपको? वर्णमाला सीखे है ना, लिखने का तरीका पता है। अ अ ई ई उ उ रु ए आई ओ औ अम आ। आपको ये पता है ना, ख ख ग घ ञ छ छ छ छ ञ थ थ ड ध न थ थ थ ध न फ फ ख घ म य ग ड व जे श स ह क्ष ल ना श ना है, ऐसे ही भरावरी। भरावरी भरावरी से क्या कहना, ख ख ही ही हो हो क्रो के कई हो हो हम कहा। ये आपको याद रखो चिल्ड्रंस। देखो आप इधर ये देखो, इधर दो, इधर ये देखो, ये लकीर के नीचे, ये लकीर के नीचे दो, ऐसे ही लिखना चाहिए। ये एक बिंदु या दो बिंदु ऐसा वर्णमाला। ये तो आप खा से हाथ तक लिखते हैं है ना, ये खा से हाथ तक लिखते हैं। ये स्वराक्षर के साथ हम मिलाकर वर्णमाला सीखते हैं। ऐसे ही द्विद्वाक्षर, द्विद्वाक्षर मीन्स द्विद्वाक्षर द्विद्वाक्षर आप सीखते लिखते हैं। द्विद्वाक्षर आपको पहला देखो छोटा सा बड़ा ख ख ख घ ञ छ छ झ झ ञ ठ ठ ढ ढ न थ। देखो ऐसे लिखे जा, ऐसे लिखे जा, थ थ ध ध न फ फ भ भ म य र ल व शे श स देखो आप नोट्स पर लिखने समय भी सेकंड सेमेस्टर का लिखने समय पहले वर्णमाला वादो पूर्ण का से हाथ तक वर्णमाला आफ्टर द्विद्वाक्षर लिखना। उसके बाद आपको क्या गिनती आती है, गिनती एक से पच्चीस तक गिनती लिखना है। इतना होने के बाद आप आज आपको एक मैं चित्र में रंग भरना, चित्र लिखकर उसे रंग कैसे भरेंगे देखो आपको मैं नोट्स में भी करना है। देखो ये चित्र है, चित्र कैसे चुराना है आपको थोड़ा सा
ಮುಳ್ಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಏನು ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಹೂವು ಇದು ಕಾಂಡ ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ, ಹಲ್ವ ಏನನ್ನು ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಛೋಟಾ ಬಡ ದೇಖ ಛೋಟಾ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೇ ಛೋಟಾ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಪು ಲಿಖನೆ ಕವಿ ಸೀಖನಾ ಹೇ ದೇಖೋ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಛೋಟಾ ಹೇ ಓರ್ ಛೋಟಾ ಸಾ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೈ ಸಾ ಜಲ್ತೆ ಜಾತಾ ಹೇ ಯೇ ಆಪು ಲಿಖನಾ ಹೇ ಯೇ ಬಡಾ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೇ ಬಡಾ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಿ ದೇಖೋ ಬಡಾ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಡಾ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೇ ಬಡಾ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏ ಛೋಟಾ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏ ಬಡಾ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅವರು ತೀಸಿ ಅವು ಗರಮಿ ಕೈಸೆ ಕಪ್ಪಡ ಗರಮಿ ಒಣಗಿದ ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಒಣಗಿದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ತಂಡಿ ಇರುವ ಮತ್ತೆ ಆಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇದು ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಲರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಒಣಗಿದ್ದು ಇದು ಸುಕ, ಸುಕ ಮೀನ್ಸ್ ಒಣಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ. ಇದು ಹಸಿಯಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ, ಹಸಿಯಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೀರಿರುತ್ತೆ. ನೀರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಬಿಸಿ ಇರುವ ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿದೆ, ಬಿಸಿ ಇರುವ ಕಾಫಿ, ಬಿಸಿ ಇರುವ ಕಾಫಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹಬೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಬೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಗರಂ, ಗರಂ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ತಂಡ, ಸೂರಜ್ ಔರ್ ರಾತ್ರಿ ಏ ದಿನ್ಮೇ ಸೂರಜ್ ನೈಟ್ ಮೇ ಕೌನ್ ರಹತಾ ಹೈ ರಾತ್ ಮೇ ಚಾಂದ್ ನೈಟ್ ರಾತ್ ಮೇ ಸೂರಜ್ ರಹತಾ ಹೈ ಔರ್ ಕೋಮಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಕೈ
कैसे कलर भरना और हार्ड को कैसे कलर भरना और कट्टा इमली मैंगो कैसे रहता है। मैंगो कैसे रहता है देखो ये सबको कलर बनता है। आपको कलर कर मुझे नोट्स पे रखना है। ये है ना आपको एक क्लास वन का ये करना है होमवर्क आपको ऐसे समझो कि देखो ऐसे सब कलर देखो फूल को कैसे कलर कांटे को कैसे कलर और छोटा कैंडल कैसे जलेगा बड़ा कैंडल कैसे जलेगा और टंडा कपड़ा कैसे रहेगा कलर में और सूखे कपड़े कैसे कलर में रहेगा ये हॉट कॉफी ये कोल्ड कॉफी ये दिन में सूरज कैसे रहेगा ये रात में शाम कैसे रहेगा ये कोमल स्मूथ कैसे रहेगा ये कठोर हार्ड कैसे रहेगा ये इमली कैसे रहेगा उनसे है कलर करते मामले ना स्वीट है आगे करते ये सब मुझे कल आपको बताना है। देखो चिल्ड्रंस ये रिवीजन आपको पहले वर्णमाला नोट्स में लिखना और बारह पे लिखना पूर्ण और तो आपको ये इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये द्विवाक्षर लिखना बाद एक से 25 तक गिनती लिखना बाद ये नोट्स में फोर्थ मेन में ये आपको रन करने का काम ये सब आप एक क्लास में कंप्लीट करना।